मुझे उससे एक और सवाल आ रहा है कि अब ये तो है व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग क्लासिकल, जब अब ये है कि लोगों ने ये देखा हो कि इसका इसमें क्या भाव होना चाहिए, जैसे रफ़ी साहब का ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, उसमें शब्द भी दर्द भरे मेरे नाले हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं नाले लगा रहा चिल्ला रहा हूँ रो रहा हूँ। अब लेकिन रफ़ी साहब रो तो नहीं रहे हैं, नहीं, मतलब अगर बिल्कुल नहीं, अगर रो देंगे तो यू नो तो अब गला खराब हो वो जाएगा। एक्चुअली हाँ रो के आप गाना गा ही नहीं सकते, गा ही नहीं सकते ऑफ कोर्स। बिल्कुल आप हाँ जानते हैं, अब हाँ तो आई अब गाते ही हैं, अब तो या जानते हैं। तो हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि तो वो मात्रा कैसे तय होती है कि इतना ही करना है, इससे ज्यादा करने पे मेरा सुर जाने वाला है बिल्कुल और इससे कम में तो भाव नहीं निकल के आएगा। मैं करेक्ट क्यों ये कहना चाह रहा हूँ, करेक्ट क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि मेरा तो दिन बहुत अच्छा गया है यस और ऑडियंस को मैंने बोला है कि 10 गाने रफी साहब के मैं परफॉर्म करूँ, जस्ट बिल्कुल फॉर एन बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल मान के बिल्कुल चलिए, और बिल्कुल उसमें से एक गाना ये है ओ हाँ दुनिया के रखवाले सुन हाँ दर्द भरे मेरे हाँ नाले, मैं तो खुश हूं भाई, मैं कहाँ से लाऊं वो दर्द। करेक्ट। तो ये जो चीज है इसके दो आंसर्स सवाल हैं, क्लियर है ना आपको? बिल्कुल हाँ यही तो बात है आई जो प्लेबैक सिंगिंग, इसीलिए मैं किसी भी संगीत को मैं कहना भी चाहूंगी है कि हाँ ऊंचा बड़ा छोटा ये वो सबकी अपनी अपनी चैलेंजेस होती हैं। प्लेबैक सिंगिंग की ये सबसे बड़ी चैलेंज है इजंट इट, क्योंकि आप यू आर डिगिंग इनटू एन इमोशन विच यू मे और मे नॉट बी फीलिंग दैट डे। इनफैक्ट इफ यू आर फीलिंग दैट इमोशन इट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर देन, बिकॉज फॉर एनी काइंड ऑफ देख रहे हैं आप कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात परफेक्ट, है ये। बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। दैट इज वाई लाइफ इज अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन एंड अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रडिक्शन एंड नॉट टेकिंग इट एज अ ट्रिक। सो वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रिक पार्ट विच इज दैट यू डेल्व इन टू दैट इमोशन एंड फिगर आउट वॉट वर्कड एज अ ट्रिक देयर। सो लेट से कि जब आप बोल रहे हैं कि भाई ये गाना है और उसका एक इमोशन का जो एंगल है वो ये है, हाँ, कि एक 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 चीतकार सी होगी जब हम एक पर्टिकुलर नोट पे पहुंचेंगे, क्योंकि दर्द का तो वही प्रोजेक्शन है वही मानक है। वो। एक्चुअली ये बात भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है, हाँ क्योंकि दर्द के बड़े सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, हाँ एंगर के बड़े सारे प्रोजेक्शंस प्रोजेक्शन। होते हैं, ठीक है। एंड इंडियन क्लासिकल एक्चुअली एड्रेसेस दीज प्रोजेक्शंस, वी विल कम टू दैट बिकॉज इट्स अ हाँ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ तो ये जो प्रोजेक्शन है, हम क्योंकि रफी साहब ने उसको एस्टैब्लिश किया है, हाँ उन्होंने इस तरीके से उस इंद्रधनुष को बनाया है कि हाँ अब वो मान्यता में है, तो मैं उसको एज अ टेक्निक सीख सकती हूँ। तो दैट इज द ट्रिक पार्ट, कि मैं ट्रिक सीख ली थोड़ा सा उसमें प्रोजेक्शन, तो उसको आप स्किल लेवल पे, इसीलिए हमको सिखाया भी, जब गाना सिखाया जाता है और प्लेबैक सिंगिंग सिखाई जाती है कि चीजें सिखाई जाती हैं, तो प्रोजेक्शन सिखाया जाता है, डायनामिक्स सिखाया जाता है एज अ सब्जेक्ट एज अ टेक्निक। वो हो गया फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड ट्रिक पार्ट, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, इन सब के बावजूद सब समझो मैंने सारा स्किल सीख लिया, क्या गारंटी है कि इन सारी टेक्निक्स को एक्यूरेटली प्रोजेक्ट करने के बाद मेरा गाना उतना ही छुएगा? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो उस पोर्शन में आता है आपका सरेंडर, इसीलिए मैं आर्ट और आर्टिस्ट को फर्क नहीं कर पाती, क्योंकि वहां आती है आपकी प्योरिटी, वहां आती है आपका, जैसे आपने कहा कि अगर मैं कंप्लीटली उस इमोशन को सरेंडर कर जाऊं तो मैं गाना वो गा ही नहीं पाऊंगा, वैसे होगा वो। तो इसका मतलब वहां पे वो जो कॉन्टेक्स्ट है कि आज मुझे इस गाने को इस तरीके से गाना है, वो मेरे इमोशन से भी ज्यादा बड़ा है, मेरे पर्सनल, मेरा जो एजेंडा है आज का कि मेरा दिमाग कंप्लीटली आउट है, उस एजेंडा से इस गाने का रेंडिशन बड़ा है, इसीलिए द आर्टिस्ट ऑलवेज बिगर देन द आर्टिस्ट। और एक बार मैं तो ये भी नहीं समझ, अभी सब बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये बात कि ये जो पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है उसमें नीचे आर्टिस्ट का नाम नहीं है, होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है आप ओनरशिप, लेकिन जब आपने एक आर्ट का पीस इस दुनिया में डाल दिया वो आपका नहीं रहा। बिल्कुल फुल्ली जैसे कि अलाइन हो बच्चा, गया। जब आपने उसको अपनी बॉडी से अलग करके बाहर ले आए वो आपका भी नहीं, यही तो स्पिरिचुअलिटी की सीख है, कोई किसी का नहीं है, हमने अकेले जाना है, अकेले जाना है, ठीक है। तो आपने
अपने आप को उस इमोशन से जितना अटैच करना है, टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, कि मैं अटैच कर रही हूँ, आई एम सीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस फॉर अ सैड सॉन्ग, एट द सेम टाइम आई हैव टू डिटैच फ्रॉम इट ऑल्सो, एंड दैट इज माई टेस्ट एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ, आप देखिए उन्होंने उसको उसी बीट को, तो ट्रिक इज इट, इज द सॉन्ग वर्किंग, यस, बट आई मीन उस अगर वो फॉलो करोगे तो क्या उतना ही मेवरिक गाना एक और बनेगा, नॉट नेसेसरी. तो अटैचिंग एंड एसोसिएटिंग विद थ्योरी एंड कंप्लीटली बीइंग एबल टू डिसमिस दैट थ्योरी, बट आफ्टर नोइंग इट, नॉट बिफोर, है ना. तो ये है